जी नमस्कार। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी शिवम है। आज तारीख कितनी है? आज 11 जुलाई। और दिन कौन सा है? आज संडे। आप कहाँ से हो? दिल्ली से। कब आए थे आप डलहौजी? हम आए कल सुबह। कल सुबह आए थे शनिवार को। जी शनिवार सुबह। कैसे आए थे? हमने दिल्ली से पकड़ी थी वॉल्वो। अच्छा, तो क्या चार्जेज है उसके वॉल्वो के? ISBT से वॉल्वो पकड़ी थी हमने 8:15 बजे। अच्छा। कश्मीरी गेट ISBT से पकड़ी थी शाम को। हाँ जी ठीक है। सुबह कितने बजे पहुँचाया उसने आपको? उसने हमें 8:30 बजे पहुँचा दिया था, एग्जैक्ट टाइम पे जो कि लिखा हुआ था डलहौजी में। जी डलहौजी। तो क्या किराया उसका? उसका किराया तकरीबन 1500 से 1600 के बीच में पर बंदा है। और आपको आने जाने में आसानी हुई क्या है उसका? सफर कैसा है? काफी कम्फर्टेबल सफर था। ठीक है। ड्राइवर अच्छा था, काफी मतलब कंफर्टेबल एक्सपीरियंस था वाइल ट्रैवलिंग। और सीट्स अच्छी थी, क्लेनलीनेस थी बस में, वॉल्वो अच्छा था। हिमाचल टूरिज्म की बस थी। हिमाचल टूरिज्म की, जो कि रोज डलहौजी के लिए ISBT कश्मीरी गेट से 8:15 बजे निकलती है और 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। ठीक है जी, तो गुड सर्विस मिली ना आपको? वेरी गुड सर्विस। ठीक है, आप हिमाचल में पहले कहाँ कहाँ घूमे हो? मैं ऑलमोस्ट हिमाचल में काफ़ी जगहें कवर कर चुका हूँ, शिमला, कसौल, तोश और मनाली, ओल्ड मनाली। मेजर जगहें जितनी भी हैं शिमला में, मैक्लोडगंज, धर्मशाला, धर्मकोट। पहली बार डलहौजी आया हूँ। डलहौजी आप पहली बार आए हो? जी, जी। तो आप क्या कैसा लगा आपको डलहौजी? डलहौजी टेम्परेचर चेक करके आया था और 3 दिन दिखा रहा था बारिश है, बट विद द गॉड ऑफ द यू नो गॉड्स ग्रेस काफ़ी अच्छा मौसम है, बारिश नहीं हो रही। कल से भी बेहतर मौसम आज का है। आज का है, आप एंजॉय कर रहे हो ना? काफी एंजॉय कर रहे हैं। फैमिली खुश है आपकी? बहुत बढ़िया, बहुत। तो आपने जो प्लान किया आपका अच्छा रहा ना? कोई वेस्ट तो नहीं हुआ कि कुछ नुकसान हुआ? बिल्कुल भी नहीं, जो सोचा वैसा ही मिला आपको? बिल्कुल जी बिल्कुल। तो और लोगों को क्या बोलते हो, इस तरफ आना चाहिए लोगों को? बिल्कुल, डलहौजी इज एन अंडर एक्सप्लोर्ड प्लेस एंड आई गेस यू गाइस शुड कम हियर एंड एक्सप्लोर थिंग्स आउट हियर। द वेदर इज रियली नाइस, लोग बहुत अच्छे हैं, सर्विसेज आपको बहुत इजीली मिल जाएंगी। और सबसे बढ़िया बात है कि यहाँ पर 5-6 जगहें जो इजीली एक्सेसिबल है डलहौजी के पास, जैसे आज हम जा रहे हैं खजियार और कल हमारा प्लान है हम साच पास जाने का। तो आज देखते हैं कैसा दिन। तो साच पास का किसने बताया आपको? साच पास का हमें लोकल से ही पता चला था। अच्छा। उन्होंने हमें बोला था कि अगर आपको घूमना है तो साच पास ज़रूर होके आइए, क्योंकि साच पास जैसे रोहतांग पास है वैसे ही साच पास है। और डलहौजी से दैट इज़ नियर अबाउट 150 किलोमीटर्स, तो ईजीली एक्सेसिबल है, यहाँ से कैब्स और टैक्सीज ईजीली मिल सकती हैं, तो इसलिए वी आर प्लानिंग टू बी देयर टुमारो। तो जैसे अभी और लोग आएंगे तो आपने स्वेटर पहन के रखी हुई है, तो और लोगों को गर्म कपड़े लाना चाहिए साथ में कि क्या है? अगर जो लोग प्लान कर रहे हैं, क्योंकि आप तो घूम के जा रहे हो ना जी, तो जो प्लान करेंगे तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हो, गर्म कपड़े लाना चाहिए उनको? एक एक जोड़ी गर्म कपड़ा तो नेसेसरी है, क्योंकि रात को तो ठंड होएगी होएगी। दिन में अगर हम स्वेटशर्ट पहन के घूम रहे हैं तो रात को तो 100% ठंड होएगी होएगी। जून जुलाई के महीने में कोविड की सिचुएशन में जहाँ पर शिमला और मनाली और मसूरी इतने पैक्ड है, डलहौजी इज द प्लेस यू गाइस कैन चूज फॉर, बिकॉज यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं है और गेट अवे के लिए बहुत अच्छी जगह है। घूम रहे अभी आप? अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? खजियार जा रहे हैं। अभी हम लोग खजियार जा रहे हैं। और ये आप मैगी खा रहे हो, ये है बकरोटा हिल जगह। हाँ। तो आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पे? बहुत बहुत अमेजिंग व्यू है, और व्यू के साथ मैगी खाने में मजा ही अलग ही डबल हो गया। डबल हो गया। आपको अच्छा लगा डलहौजी आके? बहुत बहुत अच्छा। और लोगों को क्या बोलते हो आप इस तरफ? और लोगों को यही बोलूंगी कि डलहौजी आएँ और विज़िट करें, बिकॉज बहुत बहुत अच्छी जगह है और बहुत पीसफुल जगह है, बहुत काफ़ी जगह है यहाँ पे एक्सप्लोर करने की। यहाँ से आप खजियार जा सकते हैं और बाकी और कौन सा बता रहे थे? सच पास आप जा सकते हैं। सच पास तो अभी देखेंगे ना आप? हाँ। आप जा रहे हो ना? अभी गए थोड़ी है, अभी गए नहीं है, बट कल जाएंगे। कल जाएंगे। मॉल रोड पे घूम, तो मॉल रोड पे घूम सकते हैं, बहुत सारे खाने पीने की बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे। आपको ऐसा तो नहीं लगा कि आपने गलत कोई जगह घूमने के लिए? बिल्कुल भी नहीं, पैसा बेकार तो नहीं गया आपका? बिल्कुल नहीं। मौसम कैसा मिल रहा है? आपने जैकेट पहनी हुई है? मौसम तो बहुत बहुत सही है। अच्छा मिला ना? दिल्ली में कितनी गर्मी है? दिल्ली में तो बहुत गर्मी है, 42 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है। अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लगा डलहौजी? बहुत ही सुंदर। क्या बोलते हो और लोगों को?
लोगों को यही बोलूंगी आप आओ, ठीक है, गंद मत फैलाओ क्योंकि बहुत गंद फैल चुकी है, इधर उधर फेंको मत सामान। अच्छा, मैसेज भी दे रहे हैं आप ना लोगों को। हाँ, ये जरूरी मैसेज है। हाँ, जरूरी। पानी की बोतल लेके जा रहे हो लेके जाओ वापस, इधर उधर मत फेंको, घूमो फिरो खाओ। माल रोड पे बहुत दुकानें हैं और बहुत अच्छा चिकन, गुलाब जामुन और बहुत कुछ अच्छा अच्छा है, वहाँ से खाओ। घूमो मत जाओ, मास्क मत उतारो, ठीक है, मास्क पहन के जाओ, ज़्यादा भीड़ भड़कम में मत जाओ, इधर उधर घूमो, बहुत जगह हैं, पैदल पैदल जाओ, जरूरी नहीं है गाड़ी से जाओ। हाँ, पैदल पैदल जाओ, बहुत जगह है, बहुत अगर किसी को लोकल में घूमना है, मार्केट जाना, तो गाड़ी लेकर मत जाएं, गाड़ी लेके बिल्कुल न जाएं, पैदल जाएं, क्योंकि पार्किंग नहीं है ना, पार्किंग तो आप भीड़ का हिस्सा बन जाते हो, भीड़ में होंगे, और जिनको जरूरी जाना है वो भी लोग फंस जाते हैं, उनको रास्ता भी नहीं मिलता है, बिल्कुल उसमें आप बीच में जाओगे गाड़ी आपकी फंस जाएगी, आपको टाइम और लग जाएगा, वेस्ट हो जाएगा आपका टाइम, उससे बढ़िया आप गाड़ी अपने होटल में छोड़ो और पैदल पैदल जाओ, और ज्यादा मजा करो। अगर माल रोड में, अगर आपको भीड़ भड़कम में जाना है, माल रोड पे जाओ, नहीं जाना थोड़ा दूर ले लो, मतलब माल रोड से थोड़ा दूर ले लो होटल, और इधर उधर घूमो, बहुत जगह है घूमने की, बहुत सारे ट्रैक भी हैं घूमने के लिए, मौसम अच्छा है, बस एक गर्म कपड़ा रखो अपने पास, गर्म कपड़ा जरूर लेके आए ना, गर्म कपड़ा जरूर लेके आए, दिन में चाहो तो ना लाओ इस मौसम में, बट रात को चाहिए होगा, रात को चाहिए, या अगर आप कहीं जा रहे हो घूमने जा रहे हो तो आप जरूर लेके जाओ। सुनने में आया आज आपका जन्मदिन भी है, आज मेरा जन्मदिन भी है, तो चलो आपको जन्मदिन की भी बहुत बहुत मुबारकबाद हो, धन्यवाद, ठीक है, और आप डलोजी में अपना जन्मदिन मना रहे हैं ना, तो मजा आया आपको बहुत। दोस्तों, शुक्रवार से एकदम से डलोजी में भीड़ बढ़ गई है, और आज है रविवार, शुक्रवार और शनिवार को बहुत ज़्यादा जो है जाम देखने के लिए मिला, को तो हम खजियार भी नहीं पहुंच पाए, हमें जो है अपनी गाड़ी खड़ी करके जो है कम से कम 1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। तो आज इतना ज़्यादा डलोजी में, खजियार में जाम मिला कि हम लोगों को जो है पैदल 1.5 किलोमीटर जो है पैदल चल के खजियार में पहुंचना पड़ा, और कुछ लोग तो जाम का हिस्सा बनकर रह गए, वो रास्ता खुलने का इंतज़ार करते रहे और वो खजियार भी नहीं पहुंच सके, लोग दो दो ढाई ढाई घंटा जो है वहाँ जाम में फंसने के बाद वहीं से उनको जो है गाड़ियाँ अपनी वापस घुमाकर जो है डलोजी आना पड़ा। तो बोलने का मतलब है कि डलोजी में शनिवार, शुक्रवार और रविवार को इतनी भीड़ हुई कि जो लोग घूमने आए हुए हैं वो ना खुश होकर गए, उन लोगों को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, वो भीड़ का हिस्सा बनकर रह गए। तो यहाँ पर कुछ लोग ये खड़े हैं, इनसे बात करते हैं कि इन लोगों को कितनी परेशानी हुई और ये कितनी देर से यहाँ पर खड़े हुए हैं। आप कितने बजे पहुँच गए थे इधर? सर कुछ 2-2.5 घंटे हो गए। 2-2.5 घंटे जाम में आपको फंसे हो गए? हाँ जी, तो आपके जो लोग हैं वो क्या पैदल गए? हाँ जी सर, बिल्कुल पैदल गए। पैदल गए हैं? हाँ जी। बहुत जाम था लगा हुआ है ना, तो कारण क्या है इसका पता लगा आपको? नहीं सर, आगे तक पहुंच ही नहीं पाए सर। आपकी कहाँ पर है गाड़ी? मेरे 1 किलोमीटर पीछे लगी। 1 किलोमीटर आप पैदल आए आगे? जी हम आगे आए थे ये देखने के लिए कि क्या जाम का क्या जाम कहाँ लगा हुआ है। तो कहाँ से आप? बड़ी मुश्किल निकलवाई है। कहाँ से आप? हम अमृतसर से। तो क्या था इधर, बस फंसी हुई थी? बस फंसी हुई थी यहाँ पे, बड़ी मुश्किल बस निकाली, एक नोवा गाड़ी थी और एक और बड़ी गाड़ी थी। तो आपको क्या लगता है इधर पुलिस को होना चाहिए ना? बिल्कुल होना चाहिए सर। और आपको कारण पता है ये क्या क्यों जाम लगा था? क्यों जी? ये पार्किंग नहीं है ना इधर, ये जितनी भी गाड़ियां खड़ी है लोग घूमने आए हुए हैं, तो उन्होंने देख ही रहे हैं यहाँ से। आप दिखाइए इनको। नहीं मैं दिखा रहा हूँ। क्या प्रॉब्लम है? देखिए यहाँ पे, यहाँ से भी गाड़ी, पीछे से भी गाड़ी, कुछ गाड़ियाँ बंद है जिनमें ड्राइवर नहीं है, जिनमें ड्राइवर नहीं है। अब एक सिंगल छोटा सा रोड है, कैसे निकलेगी गाड़ी? तो आप तो क्या घूमेंगे आप? तो अभी तो आप 1 घंटा तो आपका खराब हो गया। मुश्किल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखेंगे, देखिए अगर तो हम पहुंच पाए तो ठीक है, नहीं तो फिर वापसी तो मोटा पड़ेगा। दिन खराब हो गया ना, दिन पूरा खराब हो गया, पूरा दिन आपका खराब हो गया। अभी तक हम पहुंच चुके होते हैं। और कुछ प्रशासन को कुछ कहना चाहते हो आप? जी कहना तो यही दूंगा, यही बोलूंगा कि ध्यान दो थोड़ा सा, जो तकलीफ हुई है या जो औरों को तकलीफ हुई है, बिल्कुल, बिल्कुल, जो बस वाले को तकलीफ हुई है, वो भी उसके लोग, हर एक आदमी को है सर, उसके लोग जो है वो 1.5-2 किलोमीटर पैदल कर जाएंगे ना चढ़ के, तो भी कितना लेट हुई है बस भी हो, चाहे यहाँ के लोकल है चाहे बाहर से आए हुए हैं, प्रॉब्लम सबको है, सबको प्रॉब्लम, सबको प्रॉब्लम है। जो लोकल है उनको भी यही प्रॉब्लम है, जो बाहर से आए हैं उनको तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ना, क्योंकि उन्होंने वापसी भी करनी है। हाँ। तो कब पहुंचेंगे, कब वापसी करेंगे, तो ये कि प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि चलो कुछ तो करे, इसका हल जरूर है, इसका हल जरूर होना, इसका हल जरूर होना चाहिए। हम तो यही कहेंगे अच्छा है, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम तो फिर हम मुश्किल ही सोच के आएंगे यहाँ पे। सही बात है।
तो देखो ये बिल्कुल जो है बस का अपना जो रूट है इसका वो मिस हो चुका है। तो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आई है वो लोकल ट्रांसपोर्ट को आई है, जो कि लोकल बसें चलती हैं, जो कि आम जो यहाँ की जनता है, जो लोग हैं यहाँ के गांव के, उनको जो सर्विस देती है बसें, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई है। वो अपना टाइम जो है कवर नहीं कर सकी गाड़ियाँ, तो उनके सारे टाइम मिस हो गए हैं। और इस इन जो बसों में लोग बैठे होते हैं, उन लोगों को बस से उतरने के बाद जो है डेढ़ डेढ़ दो दो किलोमीटर जो है पैदल चलकर भी जो है घर पहुंचना होता है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है लोकल लोगों को भी आई, टूरिस्ट के साथ साथ जो है लोकल लोगों को भी जो है बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। तो दोस्तों ये थी कुछ तस्वीरें जो है, जो कि आज 11 जुलाई की हैं, और शुक्र शनिवार एतवार को जो है इतनी ज़्यादा एकदम से जो है डलहौजी खजियार में भीड़ देखने के लिए मिली। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय देव भूमि हिमाचल प्रदेश। फिर मिलता हूँ और नए किसी स्पोर्ट के साथ, तब तक जय हिंद, जय देव भूमि हिमाचल प्रदेश।